आज हम बनाने जा रहे हैं अरहर या तुअर की दाल। तुअर की दाल को पिजन पी कहते हैं इंग्लिश में। उसके लिए हमें चाहिए तुअर दाल एक कटोरी, एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ बारीक, हल्दी आधा टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून और हींग या असाफोटिडा तकरीबन 3 से 4 दाने। और सबसे पहले हम दाल को प्रेशर कुकर में उबालेंगे, उसके बाद तड़का लगाएंगे। और तड़के के लिए ये सामान हमें चाहिए, देसी घी 2 से 2.5 टेबल स्पून, एक प्याज बारीक कटा हुआ, गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, कुछ कड़ी पत्ते 2 से 3 टेबल स्पून, धनिया बारीक कटा हुआ आधा टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर आधा टीस्पून, जीरा पाउडर आधा टीस्पून, गरम मसाला और राई आधा टीस्पून। तो सबसे पहले दाल को डालते हैं प्रेशर कुकर में और इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं और उसके बाद में हम इसको बॉईल करने के लिए रख देते हैं। तो प्रेशर कुकर को रखेंगे फुल फ्लेम पर, फुल हीट पर। डाल देंगे टमाटर, साथ ही में हम डालेंगे इसमें हींग या एसाफेटिडा, ये डाल दिया हमने। फिर नमक डालेंगे और आखिर में हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये डाल दिया। तो अब प्रेशर कुकर को करते हैं बंद और कुकर को पहली सीटी आने तक हम फुल हीट पर रखेंगे। सीटी आने पर हम गैस को कर देंगे सिम या लो पर और 5 मिनट उसके बाद में हम इसको सिम पर बॉईल होने देंगे, उसके बाद में गैस को कर देंगे बंद। प्रेशर कुकर की सीटी बज गई है, गैस को हम कर देते हैं लो पर या सिम पर और 5 मिनट रखेंगे इसको। तो 5 मिनट हो गए हैं, गैस को हम कर देते हैं बंद और अब प्रेशर इसका कम होगा तब हम कुकर को खोलेंगे। तो प्रेशर कुकर में प्रेशर कम हो गया, इसको खोलते हैं और देखते हैं दाल का हाल। दाल हमारी गल गई है, तो अब गैस को हम मीडियम पे रखेंगे प्रेशर कुकर को और खुले में पकाएंगे दाल को। और साथ ही में दूसरे बर्नर पर हम तड़का बनाएंगे। इसके लिए हम एक पैन रखते हैं और फुल हीट पर रखा है हमने, देसी घी डाल दिया। देसी घी पिघल जाए तो हम डाल देंगे इसमें राई। तो ये राई रही, दाई तड़क गई है, इसमें डाल देते हैं जीरा और ये भी तड़क जाए तो इसमें डाल देंगे हम प्याज। और प्याज को हमने लाल होने तक भूनना है। तो तकरीबन प्याज को हम आधा पौना मिनट इसको स्टर करेंगे, उसके बाद में लहसुन डालेंगे इसमें। तो अब डाल देते हैं इसमें लहसुन, लहसुन का थोड़ा सा स्टर कर लेते हैं और साथ ही में दाल को भी हम स्टर करते रहेंगे। दाल को हमने अच्छी तरह से इसको पकाना है ताकि दाल और पानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हरा धनिया डाल देते हैं कुछ फ्लेवर के लिए और साथ ही में तड़के को भी आप भूले नहीं, इसको हिलाते रहें ताकि लहसुन जले नहीं। और अब इसमें डाल देते हैं हम गरम मसाला, फिर धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और कड़ी पत्ता और अच्छी तरह से इसको स्टर कर लेंगे। तड़का हमारा जैसे ही तैयार होगा हम इसको दाल में डाल देंगे। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है, गैस को करते हैं बंद और तड़के को डालते हैं दाल में और दाल को अच्छी तरह से स्टर कर देंगे और इसको मीडियम फ्लेम पर ही पकने देंगे जब तक दाल उतनी गाढ़ी नहीं हो जाती जितनी हम चाहते हैं। बीच बीच में हम इसको स्टर करते रहेंगे। तो नमक चेक कर लेते हैं और देखते हैं नमक की ज़रूरत है कि नहीं। थोड़ा सा नमक हमें चाहिए, आधा चम्मच हम नमक टीस्पून इसमें डाल देते हैं और दाल को स्टर करते हैं। हमने टोटल 1.5 टीस्पून नमक डाला है और दाल को पकने देते हैं इसी तरह से जब तक हमारी दाल तैयार नहीं हो जाती। तो दाल हमारी तैयार हो गई है, जितनी गाढ़ी दाल हमें चाहिए वो हो चुकी है। इसको अब ट्रांसफ़र करते हैं एक सर्विंग बाउल में और फिर गार्निश कर देते हैं कुछ हरे धनिए से। तो ये रही हमारी आज की डिश, अरहर या तुअर की दाल। इस दाल को आप ज़रूर बनाएं, हमें बताएं कि आपको ये दाल भी कैसी लगी और हमारी ये रेसिपी भी कैसी लगी। हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।